हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। जूड़ा हेयर स्टाइल होगा, फ्रंट साइड से भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बैक साइड से भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली गर्मियों के अंदर अगर हम बाल खुले रखते हैं तो बाल स्ट्रेट करें, अब बालों को कर्ल करें, थोड़ी देर बाद ना बाल पसीना आके बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं और बिल्कुल मत बच जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊंगी जो आप गर्मियों में किसी भी इवेंट पे कैरी कर सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, आपने किसी शादी पे जाना है वहां पे आप बना के जा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा हेयर स्टाइल है, लेट्स गो। ओके जी, तो सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लेना है। यहाँ पे मैं जो क्राउन वाला सेक्शन होता है ना हमारा, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम दे रही हूँ। बिल्कुल आपके बाल फ्लैट लगते हैं तो आपने हेयर स्टाइल शुरू करने से पहले इस वाले एरिया पे लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग कर लेनी है और साथ ही आपने इसको नीट कर लेना है। यहाँ पे मैं सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ, बालों की सेंटर पार्टीशन आपने अच्छे तरीके से नीटली कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हम बालों के दो सेगमेंट्स करेंगे, एक ऊपर वाला सेगमेंट होगा, एक नीचे वाला। इस तरह से कानों के ऊपर आपके जितने बाल हैं उनको उठाएं, पीछे लेके जाएं और रबर बैंड के साथ सिक्योर कर दें। यहाँ पे मैं पोनी में सेंटर में से होल्ड कर रही हूँ और अपनी पोनी को इनवर्डली मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। और फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे हल्का सा लूज़ कर देना है, साथ ही साथ आपने करते जाना जो करना है। और यहाँ पे आपने फ्रंट साइड पे जो आपके कानों के ऊपर बाल थे उनको पकड़ना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है और इस होल में से गुजार देना है। दोनों साइड्स पे हम यही करेंगे, कानों के ऊपर जितने भी बाल हैं उनको पकड़ें, ट्विस्ट करें और जो होल आपने बनाया था उसमें से गुजार दें। ये स्टेप्स करने के बाद बाल आपके बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे जितने भी बाल मेरे रह जाएंगे बैक साइड पे, उसको पोनी टेल में सिक्योर कर लूँगी मैं। और करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लैक रबर बैंड यूज़ करनी है पूरे हेयर स्टाइल में, वो दिखती नहीं है, अच्छी लगती है, नीट लगता है आपका हेयर स्टाइल। और यहाँ पे तीन स्ट्रैंड लेके मैं जो तीन स्ट्रैंड वाली हमारी ब्रेड होती है वो कर देती हूँ, तीन बलों वाली चुटिया, सिंपली आपने वो कर देनी है, कोई आपने रबर बैंड नहीं लगानी। यहाँ पे चुटिया करने के बाद हमने अपनी चुटिया को गोल गोल ट्विस्ट करना है और इससे हमने बना देना है बैक साइड पे एक रफ सा बन। और बन बनाने के बाद आप इसको सिक्योर कर सकते हैं या तो किसी रबर बैंड के साथ, जैसे आपको इजी लगता है। मैं जूड़ा पिंस यूज़ कर रही हूँ, जूड़ा पिंस आप अपने बालों के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। और अब हम अपने हेयर स्टाइल को हल्का सा एक्सेसराइज कर रहे हैं। आपके पास ज्वेलरी आइटम्स, कोई भी ज्वेलरी आइटम पड़ी है, रिंग है आपके पास, इस तरह से हुक वाले जो एयरिंग्स होते हैं वो पड़े हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हल्की सी फेस ट्रिमिंग कर रही हूँ, सामने वाले जो बाल हैं उनको कर्ल कर दूंगी लाइट सा, अच्छे लगते हैं, फ्रंट साइड से बड़ी अच्छी सी लुक आती है। बालों को आप फ्रंट साइड से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कर्ल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आपने नहीं निकालने आप मत निकालें। और ये आ गई जी हमारी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार सा हेयर स्टाइल है और समर्स के लिए परफेक्ट है। हमारी वीडियो होती है जी खत्म। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो आई ह्यूज थम्स अप। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।